हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कैंपिंग से रिलेटेड कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। इन दोनों घटनाओं में से जो दूसरी घटना है वो मेरी फेवरेट है। दोस्तों, मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं अगली वीडियो सोच रहा हूँ कि मर्डर केसेस और मर्डर मिस्ट्रीज पे भी लेकर आऊँ, अनसॉल्व केसेस या कोई ऐसे मर्डर जिसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई है या शायद उनके बारे में किसी को कोई सबूत नहीं मिला। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगली वीडियो इन सब चीज़ों पर कवर करूँ। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियोस उसी पर लेकर ज़रूर आऊँगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हॉरर स्टोरीज और मिस्ट्रीडस स्टोरीज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और हम खो जाते हैं अंधेरों में। ये घटना है कोलोराडो फॉरेस्ट की, जहाँ पर एक फैमिली कैंपिंग करने गई थी। उस फैमिली में एक लड़का था जिसका नाम था ट्विन और भाई था उसका नाम था मैक्स। उनके साथ उन दोनों के मम्मी पापा भी थे। इन लोगों के घर में एक औरत रहती थी जिसका नाम हेला था। हेला उनके यहाँ करीब 10 महीने से एक किराएदार की तरह रह रही थी। वो लोग उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन इन 10 महीनों में वो उनसे काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी। हेला के हस्बैंड एक ट्रक ड्राइवर थे जिनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद वो अपना पुराना शहर छोड़ के कोलोराडो में आके बस गई। हेला उनके लिए एक तरह से फैमिली मेंबर के जैसी थी। ट्विन और मैक्स की फैमिली शायद ये कैंपिंग कभी भूल नहीं पाएगी। अब आगे की घटी घटना मैं आपको ट्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। मैं और मेरी पूरी फैमिली कोलोराडो नेशनल पार्क में कैंपिंग के लिए गए थे। हमारे पास एक वैन थी जिसमें हमने सारा कैंपिंग का सामान रखा हुआ था। पापा ने उस वैन को हमारे कैंपिंग प्लेस से थोड़ा दूर खड़ा कर दिया था। हमें उस जगह से हमारी वैन बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही थी। जहाँ पे हमने कैंप लगाया था वहाँ से एक छोटी सी नदी बह रही थी जो काफ़ी सुंदर थी और मौसम बहुत ही प्यारा था। हमने उस नदी के बगल में बनी एक बहुत ही अच्छी चट्टान के ऊपर ही अपना कैंप लगाया। वो काफ़ी बड़ी थी और सपाट भी थी, तो उसके ऊपर कैंपिंग करना बहुत ही अच्छा लग रहा था और उस पे से नज़ारा भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था। हम वहाँ पहुँच के मैं और मेरा भाई मैक्स हम दोनों कैंप को सेट कर चुके थे और हेला आंटी, मम्मी और पापा बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे थे। हमने अपना काम कुछ ही देर में पूरा कर लिया था और दोनों कैंप्स को लगा दिया था। हमारे पास आग जलाने के लिए प्रॉपर फ्यूल तो था लेकिन लकड़ियाँ नहीं थीं, तो मैं और मैक्स कुछ लकड़ियाँ बीनने के लिए नदी के थोड़ा सा आगे चले गए और मैक्स ने अपनी फिशिंग रॉड भी ले ली थी। उसने पापा से बोला था कि वो कुछ मछलियाँ पकड़ के लाएगा। उस वक्त करीब शाम के 5:30 बज रहे थे, थोड़ा अंधेरा होने वाला था, इसलिए डैड ने हम लोगों को टॉर्च दे दी। हमने अपने साथ मछली रखने के लिए एक बास्केट भी ले रखा था और एक लंबी सी फिशिंग रॉड भी थी। जहाँ पे हमारा कैंप लगा था वहाँ पर नदी की बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही थी। हम उसी नदी के साथ साथ आगे चलते चले गए और वहाँ पर मैक्स बैठ के मछलियों को पकड़ने लगा। पीछे की तरफ पुराने पेड़ थे जिसकी लकड़ियाँ टूट के गिरी हुई थी। मैं उन लकड़ियों को जमा करने लगा। नवंबर का महीना था तो ठंड हल्की हल्की पड़ रही थी। अच्छा हुआ पापा ने हम लोगों को टॉर्च दे दी थी, क्योंकि हमको सच में कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है। हमें वहाँ पर फिशिंग की और लकड़ियाँ बीनते हुए करीब 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए मैंने मैक्स से कहा कि शायद अब हमको वापस चलना चाहिए। मैक्स बैठ के मछलियाँ पकड़ ही रहा था कि कुछ देर बाद मैक्स को पानी में लाल रंग बहता हुआ दिखाई दिया। वो मुझसे 3 साल छोटा है। उसने तुरंत मुझको बुलाया और मैंने जब उसको देखा तो वो लाल रंग बिल्कुल खून जैसा था जो कि बहते हुए उसी तरफ से आ रहा था जिस तरफ हमने कैंप लगाया हुआ था। मम्मी पापा और हेला आंटी तीनों लोग उसी तरफ थे। पहले वो चीज़ मैंने नज़रअंदाज की, फिर मुझको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको किसी तरह की चोट लग गई हो। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैक्स ने ज़्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ी थी तो मैंने मैक्स से कहा कि तुम कुछ देर यहाँ रुको, मैं एक बार जाके उन लोगों को देख कर आता हूँ। मैक्स ने कहा ठीक है। उसके बाद मैं तुरंत लकड़ियाँ लेके कैंप के पास चला गया। पता नहीं क्यों उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं किया, मुझे मैक्स को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था लेकिन इतना नहीं कि हमें टॉर्च की ज़रूरत पड़े।
मैं जल्दी से कैंप साइट के पास पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि पापा कैंप से कुछ सामान बाहर निकाल रहे थे। तभी मैंने पापा को देखा और वो वहां पर अकेले थे। मैंने जाके वहां पर लकड़ियां रखी और उनसे पूछा कि मम्मी और हेला आंटी कहाँ हैं। उन्होंने पहले 5 सेकंड का गैप लिया, फिर उन्होंने बताया कि वो लोग टॉयलेट गए हैं। उनके इतना बोलने पर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया और उनसे बोला कि ठीक है, आप ये लकड़ियाँ रखिए, मैं तब तक जाके मैक्स को लेकर आता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि मैक्स को मैं अकेला छोड़ के चला आया। मैं भागते हुए मैक्स के पास गया और उसी दरमियान मेरी टॉर्च कहीं गिर गई। मैं जब तक मैक्स के पास पहुँचा तो उसने काफ़ी मछलियाँ पकड़ के रखी हुई थी। मैक्स ने मुझसे बोला कि अब हमें चलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। थोड़ा अंधेरा भी हो गया था और मैं तुरंत अपनी टॉर्च ढूंढने लगा। वो मुझे नहीं मिल रही थी, मेरी टॉर्च मुझसे गिर चुकी थी। हम किसी तरह अंधेरे से निकलते हुए कैंप की जगह पर पहुंचे। जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा काफ़ी अलग था। वहां पर 3 कैंप लगे हुए थे, एक हम दोनों भाई का, एक हेला आंटी का और एक मम्मी पापा का। आग चल रही थी लेकिन पापा वहाँ पर नहीं थे। कैंप के पास हेला आंटी कैंप फायर की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। हम दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर लकड़ियों को और मछलियों को रख दिया। हमने हेला आंटी से पूछा कि पापा कहाँ है। हेला आंटी हमारी तरफ नहीं देख रही थी, वो बस जलती हुई आग की तरफ देख रही थी और उनका मुँह नदी की तरफ था। हम लोग उनके पीछे ही खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी और पापा कहाँ हैं। तब उन्होंने बताया कि पापा कार से कुछ सामान लेने गए हैं और मम्मी टॉयलेट गई हैं। उनके इतना बोलने पे मुझे ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि आधे घंटे पहले जब मैं यहाँ आया था तब पापा ने बताया था कि मम्मी हेला आंटी के साथ गई थी। पहले मम्मी नहीं थी और अब पापा भी नहीं हैं। मैंने आंटी से पूछा कि मम्मी किस तरफ गई हैं, तो उन्होंने मुझे हाथ दिखाते हुए बोला कि वो कैंप के पीछे वाले एरिया में गई हैं। उन्होंने ये सारी बातें हमारी तरफ पीट करके ही बोला। उन्होंने हमसे आँख तक नहीं मिलाई और अब मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा था। मैंने मैक्स को वहीं पर खड़ा कर दिया और उसके कान में बोला कि तुम चुपचाप यहीं खड़े होकर हेला आंटी को देखो, मैं पापा को ढूंढ के आता हूँ। मैं सबसे पहले पापा की कार की तरफ गया जो कि हमसे ज़्यादा दूर नहीं थी। मैं कार की तरफ जाते हुए मैक्स को देख रहा था, वो वहीं पर हेला आंटी के पीछे खड़ा था। मैं कार के पीछे जब पहुंचा तो मैंने देखा कि कार खुली हुई है और मम्मी वहां पर नहीं थी। पापा ने कार का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और उनकी कार की चाबी उसी कार में लगी हुई थी। ये मुझको बहुत अजीब लगा क्योंकि पापा कभी भी अपनी कार की चाबी कार में लगी छोड़ के नहीं जाते हैं और कार का दरवाज़ा तो वो कभी खुला नहीं छोड़ते। वो इतने लापरवाह इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। उसी वक्त मैंने मैक्स को देखा जो कि हेला आंटी के पास जाके बैठ गया। तभी मैंने सोचा कि शायद पापा जल्दी की वजह से चाबी को कार में ही लगा छोड़ के चले गए। मैंने सोचा कि मैं चाबी को निकाल लूं और जैसे ही मैंने चाबी को हाथ में पकड़ा उसमें ढेर सारा खून लगा हुआ था, जिसको देख के मैं बहुत डर गया था और अब मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये बात तो पता चल चुकी थी कि यहाँ पे कुछ गलत तो ज़रूर हो रहा है। मुझको अब ये साफ साफ पता चल चुका था कि मम्मी पापा किसी दिक्कत में हैं। तभी मुझे मैक्स के चिल्लाने की आवाज़ आई, वो मेरा नाम बुला रहा था। जब मैंने कार के पास से उसको देखा तो मैक्स वहाँ से भागते हुए जंगल की तरफ जा रहा था। जब मैं उसको देख के उसकी तरफ भागा तो मेरा पैर एक पत्थर से लड़ गया और मैं नीचे गिर गया। मैंने जैसे ही मुड़ के उस पत्थर को देखा, वो कोई पत्थर नहीं था, वो मेरे पापा का पैर था। मैंने जब देखा तो उनकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी, उनके सर से ढेर सारा खून निकल रहा था, वो मर चुके थे। मैंने उनको उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं वहीं पर चिल्लाते हुए रोने लगा और तभी मुझे मैक्स की दोबारा चीखने की आवाज़ आई। मैं भागते हुए तुरंत कैंप के पास पहुंचा और मुझे नहीं पता था कि मैक्स किस तरफ है। उसकी आवाज़ जंगल की तरफ से ही आ रही थी। मैं तुरंत कैंप के अंदर जाके टॉर्च ढूंढने लगा और मुझे पापा का मोबाइल फ़ोन मिला। मैंने तुरंत उनके फ़ोन से पुलिस वालों को कॉल किया। उन्होंने मेरी लोकेशन के बारे में मुझसे पूछा
मैं ठीक से उनको अपनी लोकेशन भी नहीं बता पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और मैं रो भी रहा था। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि वो मेरी नॉर्मल लोकेशन पर पहुँच के मुझे कॉल करेंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन अपने पास रखने को बोला और मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। पापा की टॉर्च कैंप के अंदर ही पड़ी थी। मैंने जैसे ही टॉर्च को जलाया, मैंने देखा कि कैंप के पीछे कोई सो रहा है। मैंने तुरंत कैंप से बाहर निकल के देखा तो वहाँ पर मेरी मम्मी की बॉडी पड़ी हुई थी और उनका आधा हाथ पानी के अंदर था जिसमें से खून बह रहा था। ये खून उसी वक्त बह के आ रहा था जब मैक्स ने सबसे पहले पानी के अंदर खून देखा था। वो मेरी मम्मी का खून था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मम्मी को पानी से बाहर निकाला और उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। वो मर चुकी थी। उनके गले को काट दिया गया था। मुझे दोबारा मैक्स के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं भागते हुए जैसी उसकी तरफ जा रहा था, मेरे पास तुरंत पुलिस वालों का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे दोबारा मेरी लोकेशन के बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी लोकेशन बताई और उन्होंने मुझसे बोला कि वो मेरी लोकेशन में 5 मिनट पर पहुँच जाएंगे। इतने में मैंने देखा कि मैक्स जंगल के अंदर से बाहर आ रहा था। उसके हाथ से खून बह रहा था और चेहरा आधा कटा हुआ था। वो रोते हुए आके मेरे सामने खड़ा हो गया और ज़मीन पे नीचे गिर गया। मैंने जैसे ही मैक्स से पूछा कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, ये सब किसने किया, उसने बोला, हेला आंटी। मैं ये बात सुन के बहुत शॉक हो गया था क्योंकि हेला आंटी ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे लगा कि मैक्स को शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैक्स बेहोश हो चुका था और तभी मैंने देखा कि नदी के थोड़ा सा दूर हेला आंटी खड़ी हुई हैं जो कि मुझे ही देख रही थी। उनके बाल एकदम खुले थे और वो मुझको देख के हंस रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके ऊपर कोई भूत चढ़ गया हो। वो मुझे देख के बहुत जोर से मुस्कुरा रही थी। उनकी बड़ी आँखें मुझे आज भी याद हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रही थी और उनके पास लकड़ियाँ काटने वाली कुल्हाड़ी थी। उन्होंने मेरे फैमिली वालों के साथ ऐसा क्यों किया मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा शरीर पूरा का पूरा जम चुका था और मैं कांप रहा था। तभी मुझे पुलिस वालों की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी जो कि मेरे पापा के कार के पास ही खड़ी हो गई थी। उसमें से 2 पुलिस वाले तुरंत निकल के आए। उन्होंने जैसे ही मैक्स की हालत देखी, उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और मुझसे वहाँ पर हुई घटना के बारे में बोला। मैंने जैसे ही उन पुलिस वालों को हेला आंटी के बारे में बताया और उनको बताया कि वो उधर खड़ी हैं, वो वहाँ से गायब हो चुकी थी जैसे कोई हवा। पुलिस वालों ने हेला आंटी को जंगल में ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। करीब 2 घंटे बाद उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया और मेरी मम्मी पापा की डेड बॉडी भी लेके गए। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था और मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैक्स करीब 2 हफ्ता हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसको मम्मी पापा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं हॉस्पिटल में ही था तभी मेरे पास कुछ पुलिस वाले आए। उन्होंने मुझे हेला आंटी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस नाम की कोई भी लेडी हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है जिसके हस्बैंड की ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई हो। उसका नाम हेला भी नहीं था, उसका नाम जेसिका था। वो एक सीरियल किलर थी जिसने अपने बच्चे को मार दिया था और वो 10 साल से जेल में ही थी। वो 11 महीने पहले जेल से किसी तरह से भाग गई थी। हमने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। पुलिस वालों ने भी जंगल में उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो वहाँ से गायब हो गई थी। जब ये सारी बातें मुझको पता चली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा और दुख भी हुआ। उस औरत ने हमारा भरोसा बहुत अच्छे से जीत लिया था। 10 महीने में हमें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि वो एक मर्डरर है। मैक्स अभी भी बेहोश था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मैक्स को क्या बताऊंगा। करीब 1 महीने के बाद मैक्स थोड़ा सा ठीक होने लगा। मैंने उसको मम्मी पापा और हेला आंटी के बारे में बताया। वो काफ़ी रोया। उसकी मेंटल कंडीशन काफ़ी महीनों तक ख़राब थी। फिर धीरे धीरे हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जाने लगे और उस दिन के बाद से हम कभी भी कैंपिंग पर नहीं गए। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको कैंपिंग से रिलेटेड दूसरी घटना बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ये घटना घटी थी एंटोना और उसकी दोस्त मिशेल के साथ। अब आगे की घटना
मैं आपको एंटोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एंटोना है और मैं ईएक्स मार्केटिंग नाम की एक कंपनी में काम करती हूँ। मैं अपनी कंपनी में एज अ कंटेंट राइटर हूँ और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है मिशेल। वो उस कंपनी में एज अ फोटोग्राफर काम करती है। हम दोनों को एक प्रोजेक्ट दिया गया था जिसमें हम दोनों को जंगलों पे कुछ रिसर्च करनी थी और रात में उनकी अच्छी फ़ोटोज़ कलेक्ट करके उनके बारे में अच्छे आर्टिकल लिखने थे। दिन का शूट तो हम अच्छे से निपटा देते, लेकिन हमें कुछ लेट नाइट शूट भी करने थे जिसके लिए हमको बस 2 ही दिन मिले थे। हमने दिन का शूट तो पास के जंगलों में कर लिया, लेकिन रात का शूट हमें थोड़ा कैंपिंग एरिया में करना था। बहुत दिन हो गए थे हमने कैंपिंग भी नहीं की थी, तो हमने सोचा कि कैंपिंग के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और हमें थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। मिशेल अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर थी क्योंकि उसको अपने काम का 5 साल का एक्सपीरियंस था और उसकी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लाजवाब थी। ये घटना है 2010 की। हम दोनों ओहायो सिटी के फॉरेस्ट में लेट नाइट शूट पर जाने का प्लान बनाया। साथ ही हमने कैंपिंग का कुछ सामान भी रख लिया था क्योंकि हमें वहाँ पर रात में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि हम वहाँ पर रात में रुकने वाले थे। मिशेल का एक दोस्त था, उसका नाम था मर्क। हमने उससे उसकी एक छोटी कैंपिंग ट्रक ले ली जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। उस छोटे से ट्रक में हमारी सुविधा के अनुसार सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद थी। मिशेल का कैमरे का बैग भी बहुत ज़्यादा भारी था, इसलिए हमने उसको भी उसी ट्रक में डाल दिया था। वो बैग लेके चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वो बहुत भारी बैग था। हम दोपहर 12 बजे ओहायो फॉरेस्ट के लिए निकल गए थे क्योंकि हमको दिन में भी कई शूट करने थे। हमारी ट्रक जहाँ तक जा पाई हम उसको वहाँ तक अच्छे से शूट करते हुए लेके गए। उसके बाद थोड़ा पहाड़ी इलाका शुरू हो गया तो हमने अपनी ट्रक को वहीं पर खड़ा कर दिया और वहाँ से पैदल ही चलना चालू कर दिया। शाम के करीब 7 बज रहे थे और हम चलते हुए और फोटोज़ खींच रहे थे। अपनी ट्रक से काफ़ी दूर चले आए थे हम। हमको शूट करते करते रात के करीब 8 बज गए थे और लाइट भी बहुत कम हो गई थी। हमारे मोबाइल फ़ोन की और हमारे कैमरे की दोनों की बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी। मिशेल ने बोला कि अब हमने लगभग शूट ख़त्म कर लिया है और हमको शायद वापस लौटना चाहिए। हम अपने कैंपिंग वैन की तरफ वापस जा रहे थे और तभी हमको अचानक से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ को सुन के ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो। हम दोनों चौंक गए थे और वो आवाज़ उसी रास्ते से आ रही थी जिस रास्ते से हमको जाना था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तभी मिशेल ने मुझसे बोला कि हमको चल के देखना चाहिए, शायद किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। हम जैसे ही उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे वो आदमी की चीखने की आवाज़ बंद हो गई, या शायद वो मर चुका था या फिर बच गया था, हमको कुछ भी नहीं पता था। हम बस अपने वैन की तरफ जाने लगे और कुछ आगे बढ़ते ही हमने देखा कि एक जगह बहुत ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। ये देख के हमको ये पता चल गया था कि ये खून उसी आदमी का है जिसके चिल्लाने की आवाज़ हमने सुनी थी। शायद उस पर किसी जानवर ने हमला किया हो, लेकिन फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स और मैनुअल के हिसाब से इस जगह कोई भी जानवर नहीं है। जिस जगह पर हम खड़े थे वो जगह आम तौर पर लोग कैंपिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो खून जहाँ पर था वहाँ पर किसी को खींच के ले जाने के निशान पड़े हुए थे और वो निशान खून के ही बने हुए थे। हम उस निशान के पीछे पीछे जा रहे थे और वो निशान हमारी वैन की तरफ। हम अपने वैन के पास पहुंचने वाले थे कि वहीं से हम लोग को गोली चलने की आवाज़ आई। जंगल के सन्नाटे में वो गोली चलने की आवाज़ किसी बम के धमाके से कम नहीं लग रही थी। हमने जब देखा तब वो आवाज़ हमारी वैन की तरफ से ही आई थी। वहाँ पर एक पेड़ था जिसके पीछे हम जाकर खड़े हो गए और हमने देखा कि एक आदमी जिसकी हाइट लगभग 6 से 7 फीट थी और वो हमारी वैन के पास ही खड़ा था। वो हमारी वैन को बहुत ही ज़्यादा घूर के देख रहा था, जैसे कि उसने पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी हो। हमको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और हम शांत भी थे। हम ये सोच रहे थे कहीं उसको अगर हमारे बारे में पता चल गया तो वो हम लोग को भी गोली मार देगा।
हमको इस बात का पता चल गया था कि गोली उसी आदमी ने चलाई है। अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। हम पेड़ के पीछे ही खड़े थे। हमने देखा कि वो आदमी हमारी वैन के अंदर उस मरे हुए आदमी को डाल रहा था। मिशेल ने जाते वक्त जल्दी में गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही छोड़ दी थी, इसलिए उस अजीब से आदमी ने गाड़ी को भी खोल लिया। शायद वो मिशेल की सबसे बड़ी गलती थी। मिशेल ने बोला कि शायद हमको जाके उससे बात करनी चाहिए, लेकिन तभी उसने हमारी वैन की लाइट्स ऑन कर दी और बाहर आ गया। हम दोनों ने पहली बार उसको देखा। उसके हाथ पूरे खून से सने हुए थे और उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। ये देख के हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वो आदमी जिसकी सबसे पहले हमने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, उस आदमी के पूरे शरीर से खून बह रहा था। उस लंबे आदमी ने उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा था। उस आदमी को देख के लग रहा था कि जैसे वो कोई सीरियल किलर हो। मिशेल ने मुझसे पुलिस को कॉल करने के लिए बोला, लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मैं फ़ोन भी नहीं कर पाई। शायद उसने हमारी आवाज़ सुन ली थी। वो तुरंत उसी पेड़ की तरफ देखने लगा जिसके पीछे हम छुपे हुए थे। फिर हम चुपचाप पेड़ के पीछे छुप के बैठ गए। वो आदमी दोबारा अपने काम पे लग गया। तभी मिशेल ने हमसे बोला कि हमको शायद चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आदमी ने हमको देख लिया तो शायद हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम जैसे ही जाने लगे, हमारे हाथ से कैमरे का बैग छूट गया और नीचे गिर गया, जिसकी आवाज़ उस आदमी ने सुन ली। वो आदमी धीरे धीरे उसी पेड़ की तरफ आ रहा था जिसके पीछे हम लोग छुपे हुए थे। मिशेल डर के तुरंत भागने लगी, जिसकी वजह से मुझे भी भागना पड़ा। हम भागते हुए जंगल के किस तरफ जा रहे थे हमें ये भी नहीं पता था। मिशेल भागते हुए आगे जाके गिर गई और उसके ऊपर मैं भी गिर गई। हम जहाँ पर गिरे थे वहाँ पर ढेर सारी हड्डियों का ढेर लगा हुआ था और वो इंसानों की हड्डियाँ थीं। उस जगह पर काफ़ी सड़े हुए मांस की बदबू भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको किसी ने मार के वहाँ पर फेंक दिया हो। हम दोनों उस हड्डियों की ढेर को देख के चिल्लाने लगे। तभी उस आदमी ने पीछे से हमारे ऊपर दोबारा गोली चलाई और हम बच गए। हम तुरंत भागते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे। मिशेल भाग नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। हम वहीं पे कुछ अंदर जाके एक पेड़ के पीछे छुप गए जो कि काफ़ी बड़ा था, और वहीं पर बैठे रहे। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे और हम उस जगह से नहीं हिले। हमने उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी जो शायद गुस्से से हमको ढूंढ रहा था। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें, इसलिए हम चुपचाप उसी पेड़ के पीछे बैठे रहे। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मिशेल की तबीयत खराब हो रही थी। मैंने मिशेल के पैर पे अपनी शर्ट को बांध दिया क्योंकि उसमें से बहुत ज़ोर से खून बह रहा था, और हम पूरी रात वहीं पर ही रहे। अगले दिन सुबह 6 बजे मेरी घड़ी का अलार्म बजा जिससे हमारी आँख खुल गई। हमने देखा कि थोड़ी रोशनी हो गई है। मैंने मिशेल को उठाया और हम धीरे धीरे रोड की तरफ जाने लगे। उसी जगह हमारी वैन खड़ी थी। जब हम अपनी वैन के पास गए तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था और ना ही वहाँ पर किसी की डेड बॉडी थी। उस पूरी जगह पर खून का एक भी निशान नहीं था। हम जब उस जगह पे गए जहाँ पे हमारा कैमरा गिरा हुआ था, तो हमारे सारे इक्विपमेंट्स वहीं पर ही पड़े थे, जैसे किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। वो सारे खून के धब्बे और जितने भी निशान थे सब गायब हो चुके थे। हमको ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। हम तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से चले गए। हम तुरंत सबसे पहले पास के पुलिस स्टेशन में गए और उनको वो घटना बताई। पुलिस वाले हमारे साथ फिर उसी लोकेशन पे गए जहाँ पर हमने उनको वो सब चीज़ें दिखाई थी, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। उनको वहाँ पे किसी की भी लाश नहीं मिली और ना ही रात में उनको गोली चलने की आवाज़ आई थी। उन्होंने हमको बताया कि रात में 2 फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ पेट्रोलिंग करते रहते हैं और ऐसी किसी भी घटना का किसी को कुछ भी पता नहीं है और ना ही किसी खोए हुए आदमी की कोई कंप्लेन आई है। हम उनको उस जगह पे भी लेके गए जहाँ पर ढेर सारी हड्डियों के टुकड़े पड़े हुए थे, लेकिन शायद वो जगह हमें दोबारा मिल ही नहीं रही थी। वो जंगल काफ़ी बड़ा और एक जैसा दिख रहा था, इसलिए शायद हमें किसी भी रास्ते का कुछ भी पता नहीं था। उन पुलिस वालों ने बताया कि शायद हमारा ये कोई वहम है क्योंकि हमने हल्की दारू भी पी रखी थी, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। हमारा कोई वहम नहीं था, हमने सच में उस आदमी को देखा था। फिर उन पुलिस वालों ने हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और अपने एक ऑफिसर के साथ हमको हमारे घर की तरफ भेज दिया।
हम पूरे रास्ते काफ़ी शौक थे। जैसे ही हम अपनी सिटी में एंटर करने वाले थे, वो पुलिस वाला वहीं पर रुक गया और उसने बोला कि अब आप यहाँ से घर आराम से जा सकती हैं। मैंने बोला ठीक है। जाते वक्त उस पुलिस वाले ने हमसे बोला कि आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए, हर कोई आप जैसा लकी नहीं होता। ऐसा उसने क्यों बोला था मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मिशेल ये सब सोचने की हालत में नहीं थी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। क्या वो आदमी कोई सीरियल किलर था या कोई कैनिबल जो इंसानों को मार के खाता हो? शायद पुलिस वाले भी उसको सपोर्ट कर रहे हों। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में लगातार चल रही थी। मैं तुरंत मिशेल को लेके हॉस्पिटल गई और उसका इलाज कराया। वो करीब एक महीने तक हॉस्पिटल में ही एडमिट थी और हम लोग अक्सर उस चीज़ के बारे में बात करते थे, लेकिन किसी ने भी हमारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं किया क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं था और ना ही उसके दोस्त मक की कार में किसी भी तरह का कोई निशान मिला और ना ही खून। हमारे सारे इक्विपमेंट्स भी सही सलामत थे। हम लोगों ने इसके बारे में जानने की बहुत कोशिश की जिससे हम अपनी मार्केटिंग एजेंसी में इसके बारे में बता सकें, लेकिन हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं था और ना ही कोई हमारी बात पर विश्वास कर रहा था। लेकिन हमें इस बात का पूरा पता है कि वो हमारा कोई वहम नहीं था। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि मैं मर्डर मिस्ट्रीज और मर्डर केसेस से रिलेटेड और वीडियोस लाऊं कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।